करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है कोई समझ नहीं पाता है। कोई भी क्यों नहीं रहे, सब बोलता है कि इसको दिमागी प्रॉब्लम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक हाँ, यू। प्रॉब्लम को समझे, है ना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ में स्वीटी जी हैं। स्वीटी जी बिहार से आई हैं, पटना से। स्वीटी जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हर वो फीमेल जो हाउसवाइफ के साथ साथ जो भी काम करती हैं, जो मैंने देखा है इतने सालों में, सबकी प्रॉब्लम वही है। बहुत सिमिलर सबकी प्रॉब्लम्स हैं स्वीटी जी, और मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बता रहा हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है वही हर वो फीमेल जो इस वीडियो को देख रही है उनकी भी वही प्रॉब्लम है। तो आप स्वीटी जी बताइए क्या क्या दिक्कत है, आप कितने साल से परेशान। एक्चुअली 4 साल से परेशान है बैक प्रॉब्लम से। पहले तो बस बैक में 2 जगह पेन था, इधर 1 साल से पूरा बैक ऊपर से लेकर नीचे तक पेन रहता, और नी में भी पेन आ गया और शोल्डर में भी। अब तो इधर 6 महीने से फिंगर में भी पेन आना स्टार्ट हो गया है। और क्या क्या किया इसके लिए, ट्रीटमेंट ये सब। बहुत बिलौर भी गए हैं, बिलौर CMC है, बिलौर में नेविया हॉस्पिटल वहां भी गए हैं, और फिर यहाँ पे अभी पटना से अभी हमको गंगाराम हॉस्पिटल में रेफर किया, वहां भी गया, वहां कुछ नहीं बोला, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेक्रेटरी से दिखवाओ। साइकेट्रिस्ट, यस सर। यानी कि व्यूअर्स आप ये देखें कि बैक पेन को लेके डॉक्टर्स क्योंकि इलाज नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने क्या समझा कि इनकी कोई मानसिक स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से ये बार बार दर्द की कंप्लेन करते हैं, जो कि हम हर घर में देखते हैं। जब फीमेल्स कंप्लेन करती हैं तो जो आदमी या डॉक्टर्स होते हैं क्या समझते हैं, सेक्रेटरी प्रॉब्लम है हाँ, उसको, कि जब उसको साइको जब प्रॉब्लम है। उनको अटेंशन चाहिए या इस तरह से हम समझते हैं, है ना। हम उसको बहुत बोले कि नहीं सर हमको प्रॉब्लम है, हम 4 साल से पूरा परेशान है, हम रात में सो भी नहीं पाते, नहीं फिजियोथेरेपी कौन सा, फिजियोथेरेपी हम लगभग लगभग 1.5-2 साल फिजियोथेरेपी रेगुलर करवाए हैं, नहीं उससे ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ चल जाओ सेक्रेटरी के पास, चल जाओ तुम काउंसलिंग करवाओ। हम ये काउंसलिंग एक्चुअली ना बिलौर में दिखाए थे ना, नेवी हॉस्पिटल में, वहां भी हमको कुछ नहीं हुआ, तो 6-7 डॉक्टर मिलकर देखा, उसको कुछ नहीं पता चला, वो भी लास्ट में हमको सेक्रेटरी के पास भेज दिया, वो भी बोला काउंसलिंग करवाओ, 15-15 दिन में काउंसलिंग करवाओ, बट हम करवाया नहीं थे, क्योंकि हमको पता है ना कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो ये बिल्कुल, क्योंकि मैं तो रोज देखता हूँ, फीमेल्स को ट्रीट करता हूँ, सबकी सेम प्रॉब्लम होती है। और व्यूअर्स जो मेल्स देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आप सबके लिए मैसेज है। जो फीमेल होती हैं जो घर में काम करती हैं, खास तौर से जब स्वीटी जी की एज में होती हैं, बच्चे जब नए नए घर में बॉर्न होते हैं, तो फीमेल की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कई गुना बढ़ जाती है। मैं राइट स्वीटी, है ना। उनको फीड करना होता है, किचन में काम करना होता है, तो देखिए ये करीब 24 घंटे का काम होता है, जिसमें ये 5-6 घंटे अगर रेस्ट मिलता है तो मिलता है, तो उनके बॉडी पे बहुत टोल होता है, मैकेनिकल इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। तो बहुत कॉमनली देखा गया है कि शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स को ये दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और जब तक इनका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो इनका कोई प्रॉपर तरीका नहीं मिलेगा। आपके भी आसपास कोई फीमेल है जो इस बार बार डॉक्टर और दवाइयों के चक्कर में भाग रही हैं, तो हमसे जरूर संपर्क करें, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि उसका इलाज देंगे। स्वीटी जी के ट्रीटमेंट तो हमने किया, अभी अंदर कपिंग किया, नीडलिंग किया, मैं आपको इस वीडियो में एडजस्टमेंट दिखाऊंगा स्वीटी जी का। बट हमने एक और चीज देखा, और वो हम ज्यादातर फीमेल्स में देखते हैं कि इनके हाई आर्च हैं, ये सारी प्रॉब्लम एक ही पाँव पे वेट बार बार डालने की वजह से होना स्टार्ट होती है। अभी इनकी जो हमने इनके असेसमेंट में देखा कि खड़े रहते समय इनके पाँव बिल्कुल सीधे हैं, जैसे ये चलती हैं इनका जो सीधा पाँव है पूरा का पूरा अंदर की तरफ मुड़ जाता है। उसी की वजह से आप समझ सकते हैं, जब दोनों पाँव में से एक पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाएगा तो सारा वेट दूसरे पाँव पे आने लग जाता है, इनके लेफ्ट पाँव पे ही सारा वेट आता है। ये इनकी दिक्कत है जिसके लिए मैंने इनको इंसोल के लिए एडवाइस किया है। विश्वास मानिए फीमेल्स हैं, अगर आप इंसोल बनवाएंगी तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको सारी दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, और आपका पोस्चर, आपका पेन सारा ठीक हो जाएगा। वही मैंने स्वीटी जी को एडवाइस दिया है। वीडियो को बहुत ना लंबा करते हुए मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। आइए, बहुत दिनों बाद बहुत सारी बातें कर रहे हैं वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। लेटेंगे स्वीटी, इजी, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, छोड़िए, रिलैक्स, छोड़िए,
बहुत टाइट है, मैंने इनको 7-8 दिन 5-7 दिन खाने के लिए बोला है टर्न कर। ब्रीद आउट करो टर्न इस तरफ। हाँ जाओ बैठेंगे क्या होगा गर्मी लगने लगा। तो ये होता है जब आपका नर्वस सिस्टम जो इनका टाइट था वो जैसे ही खुलता है तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में और गर्मी जैसा महसूस होता है। कूल एंड काम। यस आ जाइए बैठेंगे फिर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ और बोलना चाहोगे ये सोच कर कि आप अपनी दिक्कत किसी के साथ जो शेयर नहीं कर सकते अब व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? मतलब हर किसी को चाहिए शेयर करना क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है कोई समझ नहीं पाता है। कोई भी क्यों नहीं रहे सब बोलता है कि इसको दिमागी प्रॉब्लम है इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। हाँ, प्रॉब्लम को समझे प्रॉब्लम को समझे और इसका सोल्यूशन ढूंढने का जल्दी से जल्दी कोशिश करें। थैंक यू व्यूअर्स चैनल को लाइक शेयर किए बगैर ना जाएं। देखिए स्वीटी जी भी हमारे साथ बहुत एफर्ट कर रही हैं आप भी थोड़ा सा एफर्ट कीजिए तो वीडियो काफी लोगों तक पहुंच सकती है। थैंक यू।